अक्सर क्या होता है, हमारा गैस स्टोव जो है वो इस तरह गंदा हो जाता है, कभी गेस्ट आए होते हैं या कभी कोई फेस्टिवल हो तो ये, या कभी दूध गिर जाता है और फिर रोटी बना लेते हैं हम वहीं पर, तो इस तरह जो गंदा हो जाता है उसे आप कैसे डीप क्लीन कर सकते हैं, चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। आप पूरा जो हमारा गैस है उसे क्लीन करना मैं आपको बताऊंगी। यहां मैंने जो इसके स्टैंड थे वो निकाल दिए हैं और स्टैंड देखिए दूध वगैरह गिर कर, तेल वगैरह होकर ये कितने गंदे हो रखे हैं। इन्हें क्लीन करने के लिए आप इन्हें डायरेक्ट सिंक में रख दें और सिंक का जो होल होता है उसे आप ब्लॉक कर दें, ठीक है, उसको नीचे कर देना है आपको ताकि पानी जो है वो ड्रेन ना हो। उसके बाद पानी डालिए और इसमें विनेगर और बेकिंग सोडा डालकर आप इन्हें भिगो दीजिए और थोड़ी देर के बाद आप इन्हें क्लीन करेंगे तो ये आसानी से जो है क्लीन हो जाएंगे। आप रेगुलर कर सकते हैं, मैं ये आपके साथ में डीप क्लीन कर शेयर कर रही हूँ, इसलिए यहाँ पर मैंने एक बॉटल ली है, स्प्रे बॉटल, उसमें पानी लिया है और जो लिक्विड डिटर्जेंट आता है उसे डाला है, साथ में विनेगर डाल रही हूँ और बेकिंग सोडा। इसकी पूरी रेसिपी मेरे चैनल पर आपको मिल जाएगी, ऑलरेडी मैंने शेयर की हुई है। यहां पर क्या करना है, इस स्प्रे को आपको पूरी तरीके से अपने गैस स्टोव पर अच्छी तरीके से डाल देना है, स्प्रे कर देना है, ठीक है। इससे क्या होगा, जो भी जमी हुई मैल है या जमा हुआ जो भी खाना वगैरह है गिरता है आपके गैस स्टोव पर वो पूरी की तरह जो है गल जाएगा और आसानी से साफ कर पाएंगे आप। अक्सर दाल दूध इस तरह की चीजें जो है गैस पर गिर जाती हैं और वो काफी गंदा हो जाता है, तो यहाँ देखिए कितनी आसानी से अब ये क्लीन हो रहा है। आप तुरंत अगर रगड़ेंगे तो नहीं होता है ये, तो आप क्या करें, नाइट में आप पूरी अपना क्लीनिंग अच्छी तरीके से करिए अपनी गैस स्टोव की, जिस तरह मैं आपको बता रही हूँ इस तरह से। अगर मॉर्निंग में भी आप करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, मॉर्निंग में क्या है ज्यादा टाइम नहीं मिलता है, आप इसे थोड़ी देर सोक नहीं कर पाते हैं तो आप इसे नाइट में जरूर पूरा करिए। तो ये देखिए कितने आराम से नॉर्मल स्पंज है उससे निकल रहा है, आप नॉर्मल स्पंज से कर सकते हैं। अगर आपके गैस पर क्या है ज्यादा मैल जमा हुआ है, ज्यादा गंदगी जम गई है तो आपको क्या करना है वो भी मैं आपको बताऊंगी। अभी तो आप स्पंज से जैसे क्लीन करेंगे तो बहुत आसानी से क्लीन हो जाएगा, नॉर्मल स्पंज है ये और इसे देखिए कितने आसानी से जो भी गंदगी थी वो फूल कर निकल आई है। सिर्फ 5 मिनट के लिए आपको रखना है, तब तक आपने जो अपने स्टैंड भिगोए थे आप उन्हें क्लीन कर सकते हैं, है ना। तो ये देखिए ये क्लीन हो गया है, अभी मैं आपको दिखाती हूँ, पूरी तरह नहीं हुआ है ये, मैंने स्पेशल डीप क्लीनिंग आप लोगों के लिए इसीलिए शेयर करी है। यहाँ देखिए ये जो है ये किचन ब्रश आते हैं इस तरह के, यहाँ स्टील का है, ये कई प्लास्टिक का भी आता है और ब्रास का भी आता है, कई तरह के इसमें होते हैं, इनका शेप इस तरह होता है कि आप इजीली क्लीनिंग कर सकते हो, तो ये क्लीनिंग के पर्पज से ही स्पेशल ब्रश बने हुए। इनका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। ये देखिए, तो जो आप अगर तुरंत साफ कर रहे हैं अपना गैस नहीं हो रहा है तो आप इस तरह से ये यूज कर सकते हैं। कई बार गंदगी जो होती है वो इतनी हार्ड होती है कि साफ नहीं होती है, तो आप इस तरह का ब्रश यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए कितने आसानी से, जो स्टील वूल होता है ना हमारा, स्टील का जो गुंजा वगैरह होता है सेम उसी का ब्रश होता है, पर इसकी डिजाइनिंग ऐसी होती है कि आप आराम से इसे यूज कर सकते हैं। अब ये देखिए क्लीन हो गया, ये जो नहीं हो रहा था स्पंज से मैंने इसे क्लीन कर दिया है। स्पंज में वही जो हमने सॉल्यूशन बनाया था वही मैं एक मैंने बोल में भी रख लिया था, जिससे हम इसे पूरी तरीके से क्लीन करेंगे। ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है, मुझे कुछ लोगों ने कमेंट करके बोला था कि आप दी ये वाला वीडियो शेयर करिए, जो हमारा गैस स्टोव है उसकी डीप क्लीनिंग ऐसे करनी है, तो वही मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने एक ये वेट वाइप है ये लिया है और इसे अच्छी तरीके से टाइटली मैंने पोंछ लिया, निचोड़ लिया था, उसके बाद हम मैं पूरी जो गैस है उसे क्लीन करूंगी। आप जो गैस है, अगर आपका कांच का गैस है, ग्लास है, ग्लास टॉप वाला, तो आप क्या करें स्पंज से ही क्लीन करें, ठीक है। ब्रश वगैरह उस पर या स्टूल वूल मत लगाइएगा, आप सिंपल जो स्प्रे से हमने किया ना उससे इजिली साफ हो जाता है। कई बार हम गैस तो क्लीन कर देते हैं पर ये जो साइड्स रह जाती ना, ये इस तरह की ये छूट जाती है और यहां पर जो है वो गंदगी रह जाती है। तो जब भी आप गैस जो अपनी क्लीन करें उसे अच्छी तरीके से, जैसे मैंने अभी आपको बताया ना, फिंगर रख के और इस तरह से क्लीन करें ताकि वहां जो गंदगी है वो आपकी इजीली क्लीन हो सके। इसी तरह पूरी गैस को चारों तरफ से भी क्लीन कर देंगे। हम अक्सर ऊपर का तो उसका गैस का टॉप पोंछ लेते हैं पर साइड में और ये जो छुपी हुई जगह होती है इन्हें क्लीन करना हम भूल जाते हैं। तो इसे पूरे को मैं पोंछ लेती हूँ, पर अभी मैं आपको एक चीज और बताती हूँ, अभी हमारी गैस की जो क्लीनिंग है वो पूरी नहीं हुई है क्योंकि
हमें लगता है ये हमने क्लीन कर लिया है ना, पर अब भी यहाँ पर कुछ ऐसी गंदगी है जो मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए, ये क्लीन होने के बाद भी ये जो दाग रह जाते हैं ना, ये खाने के, ये नॉर्मल आटा गिरता है, रोटी बनाते हैं, दूध दाल जो भी हम बनाते हैं वो खाना गिर जाता है और वही गंदगी होती है, ठीक है, वो यहाँ जल जाती है। तो इसे क्लीन करने के लिए ये वाला ब्रश बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। इसे आपको वही सॉल्यूशन में डिप किया है मैंने, और चाहे तो आप वहां स्प्रे भी लगा सकते हैं, जैसे ये जो बटन्स वगैरह होते हैं ना, ये जो बोल्ट वगैरह दिए होते हैं गैस के, इस पे तो ये अक्सर जम जाते हैं, इस पे तेल वगैरह के निशान जो है, इतनी ज्यादा गंदगी बैठ जाती है कि क्लीन नहीं कर पाते हैं हम, ठीक है। तो ये आप इस तरह से, अभी देखो कितना क्लीन लग रहा था ना, अब ये हम जब कर रहे हैं इसको साफ कर रहे हैं तो ये सारा जो है कितना सारा निकल रहा है, काला काला, सोचा था आपने, नहीं ना। तो ये जो ब्रश है बहुत काम आता है, मेरे लिए तो लाइफ सेवर है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मैं मिनटों में इससे क्लीन कर लेती हूँ, नहीं हो पाती थी, ठीक है। तो ये देखिए साइड्स में भी यहाँ रह जाती है, आप कितना भी क्लीन कर ले ये जगह रह ही जाती है गंदी, है ना। तो इनको आप इस ब्रश से क्लीन कर ले। अब हम इसे अच्छी तरीके से पोंछ लेंगे, वही सेम स्पंज से, स्पंज से ही करिए, ताकि अगर आपके ग्लास पे पड़ता है ना तो इतना आपका ग्लास पे स्क्रैच वगैरह नहीं आता है। ये देखिए क्लीन हो गया ना, पहले कितना गंदा था ना, हमने क्लीन किया था बट वो गंदगी रह गई थी, अब यहाँ देखो कितना क्लीन हो गया है, है ना। अब ये जो हमारा वेट वाइप है इससे हम इसे अच्छी तरीके से पोंछ देंगे, ताकि हमारा पूरी तरीके से जो है क्लीन हो जाएगा। अब मैं आपको डिफरेंस दिखाती हूँ, ये देखिए यहाँ इसमें कोई अब गंदगी नहीं है, अच्छी तरीके से शाइन मारा। तो आप डेली रात में कर सकते हैं, खाना वगैरह खाने जब आप जाएं तो इस पे स्प्रे मार दें, खाना खा लें और उसके बाद इसे क्लीन कर लें। अब ये देखिए दूसरा वाला जो मैंने क्लीन नहीं किया था, जो क्लीन किया है, दोनों में कितना डिफरेंस है, वो अलग दिख रहा है, ये अलग दिख रहा है। तो यही है, हम क्लीन तो कर लेते हैं पर ये जो गंदगी है ये हमें नहीं दिखती है, जो कि हमें क्लीन करना चाहिए, है ना। क्योंकि जब आप गैस को पूरी तरीके से खोलकर जब आप इसकी डीप क्लीनिंग करते हैं तो फिर आप खोल नहीं पाओगे, इसके बोल्ट वगैरह में इतनी गंदगी बैठ जाती है। तो सेम ए वाले बर्नर को भी मैं इस ब्रश से क्लीन कर लूंगी। अगेन इस ब्रश का लिंक मुझे पता है आप लोगों में से बहुत सारे लोग मांगेंगे, तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने ऑलरेडी दे दिया है आपको, आप चेक कर लेना। वैसे एक बार मैंने और ये जब मंगाया था तब इसका मैंने आपके अमेजन हॉल के वीडियो में मैंने शेयर किया था ये वाला ब्रश आपसे, बहुत हेल्पफुल है। आपको ये ब्रश कितना हेल्पफुल लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताना, है ना। और अगर आप मंगाओ और आपको वाकई में ये हेल्पफुल लगता है तो भी मुझे कमेंट करके बताना, मुझे तो भाई बहुत पसंद आया था, ये मेरा अपना मानना है। आपको कितना पसंद आया ये आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो ये देखिए पूरा क्लीन हो गया है, पूरा अच्छी तरीके से, और जो हमारे स्टैंड थे हमारे गैस के वो भी मैंने वॉश करके रख दिए थे। तो ये हमारी जो गैस है वो पूरी तरीके से अब क्लीन हो चुकी है। तो आप भी इसी तरीके से क्लीन करा करिए, पहले जो आपने देखा था मेरा गैस स्टोव क्या हाल हो रखे थे और अभी कितना अच्छा लग रहा है। तो डेली इस तरह आप अपनी गैस को क्लीन करिए, कि देखने में जरूर आपको लग रहा है कि बहुत देर लगेगी पर बिल्कुल भी देर नहीं लगती और आपका गैस जो है हमेशा नया कर नया बना रहता है। मिलते हैं नए वीडियो में।